दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ 3.3 मिलियन सब्सक्राइबर वाला चैनल डिलीट कैसे हुआ और किस नाम से डिलीट हुआ, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। और जब डिलीट हुआ तो उस बंदे को कितना दुख हुआ, इसके बारे में पूरा आपको डिटेल बताने वाला हूँ। चलो फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जब मान लीजिए आप 4 साल मेहनत करते हो या फिर 2 साल मेहनत करते हो, 4 साल मेहनत करने के बाद आप बहुत बड़ा क्रिएटर बन जाते हो, बहुत बड़ा यूट्यूबर बन जाते हो, तो जैसे कि आप कोई भी रीज़न से आपको चैनल डिलीट कर देता है बट रीज़न उसका आपको रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, ईमेल नहीं करते हैं और डायरेक्टली चैनल को डिलीट कर देते हैं यूट्यूब, तो वैसे में आपको कैसा लगेगा दोस्तों? सेम वैसी इस लड़की को लगा है। यहाँ पे देख सकते हो फोटो, उसका जो पहले का चैनल था डिलीट हुआ है वह था बेस्ट हेल्प इन हिंदी तक चैनल खोला था, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप भी उसको सपोर्ट करो दोस्तों, आपका भी एक दिन चैनल बहुत बड़ा क्रिएटर होंगे, अगर बड़ा यूट्यूबर हो तो आपका भी चैनल बहुत बड़ा होंगे। आप ऐसा गलती कभी मत करना जो कि अनफेस वीडियो बनाना है, तो सिर्फ उसमें जैसे आप अनफेस वीडियो बनाते हो तो उसमें एक जैसे 100 वीडियो अनफेस बनाए हो तो उसमें कम से कम 5 वीडियो फेसटेक होना चाहिए, जो कि फेस वाला वीडियो रहता है वो होना चाहिए, तब जाके आपका चैनल डिलीट कभी नहीं होगा। और डिलीट भी करने की ऑप्शन आएंगे तो सबसे पहले आपको स्ट्राइक मिलेंगे, कम्युनिटी स्ट्राइक या फिर नॉर्मल स्ट्राइक। उससे क्या होगा, आपको पता चल जाएगा किस नाम से मेरे चैनल डिलीट हुआ है या फिर किस रीज़न से मेरे को स्ट्राइक मिला है, इसके बारे में आपको पूरा डिटेल आपको ईमेल कर दिए जाएंगे। यदि अनफेस वीडियो बनाते हो तो डायरेक्टली वीडियो डिलीट मतलब चैनल डिलीट हो सकता है, तो इसका रीज़न आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका उतना मेहनत कर किए होंगे वे सब पानी में चले जाएंगे। तो ये बंदा कुछ इतना अर्निंग करते थे एक महीने के, यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीनशॉट दे दिया हूँ, और या इसका जो न्यू चैनल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ, वहाँ से जाओ और इस भाई को सपोर्ट करो, क्योंकि इतना अर्निंग करने वाला चैनल उसका पूरा फैमिली चल रहा था, तो इसमें इसके ऊपर बहुत दुख बीती होंगे। यदि हम में से कोई और रहता तो पता नहीं हार्ट अटैक में ही मर जाते, तो बहुत बड़ा ये दिल वाला लड़का है जो कि हार अभी तक नहीं माना है। तो जाओ यार इसको सपोर्ट करो और फुल सपोर्ट करो, दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करो ताकि उसको फुल सपोर्ट मिल सके।